आज ड्राई करेला स्टफ बनाएंगे। ड्राई करेला स्टफ बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, गुड़, आमचूर, जीरा, ड्राई कोकोनट ग्रेट करके लिया है, गरम मसाला, बुगरा, ये सब चीज़ों को अभी मिक्सी जार में डाल के नाइस पाउडर बना लेंगे। देखिए, ऐसा छोटा छोटा करेला लेने से अच्छा रहता है। करेला को धो के बीच से काट के उसके अंदर वाला बीज निकाल दिया है। अभी इस पाउडर को एक थाली में निकाल के इसमें स्टफ कर रही हूँ। देखिए, ऐसा हर एक करेला में ऐसा डाल के फिल कर देंगे, भर लेंगे। ये ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि पानी नहीं पड़ता है ना, खराब नहीं होता है, 8 दिन के लिए भी रख सकते हैं। देखिए ऐसा, इसको टूथपिक से बंद कर लेंगे, नहीं तो वो खुल जाता है। देखिए ऐसा, टूथपिक से। अभी कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, राई, हिंग। अभी ये स्टफ किया हुआ करेला इसमें डाल रही हूँ। जो मसाला बचा था वो भी इसमें डाल रही हूँ। ऐसा मिक्स करके थाली बंद करके इसको स्लो में पकाएंगे। 5-6 मिनट लगता है ये पकने में। देखिए, पक गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। ड्राई करेला स्टफ रेडी।